हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्क्वायर फुटिंग कैसे डिजाइन करते हैं एंड हम लोग इसमें कॉलम भी स्क्वायर ही पकड़ने वाले हैं. सो हाउ टू डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग ऑन अ स्क्वायर कॉलम यूजिंग एक्सियल लोड, लेट अस सी. सो आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है. डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग फॉर अ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ साइज 300 बाय 300 mm. आपको एक कॉलम का साइज दिया हुआ है. कॉलम का साइज है 300 बाय 300 का, कैरिंग अ लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन. यहां पे आपको एक लोड दिया है पी 600 किलो न्यूटन का. बोलता है M20 कंक्रीट यूज करो, तो FC के दिया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का. FI दिया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का. फिर लिखा है SBC. SBC का मतलब होता है सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. याद रखना, 1 किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, स्केच द रीइंफोर्समेंट डिटेल्स. अब आपको एक स्क्वायर फुटिंग, एक आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए डिजाइन करना है. सो बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करना है. यहाँ पर सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे लोडिंग कैलकुलेशंस. हम चेक करेंगे कि सिस्टम में लोड कितना आ रहा है. आप देख सकते हो आपके सामने एक है कॉलम, उसके नीचे है फुटिंग. ठीक है, तो इस कॉलम पे जो लोड आ रहा है, लोड फ्रॉम कॉलम, तो लोड फ्रॉम कॉलम यहां पे दिया है 600 किलो न्यूटन. याद रखना, ये लोडिंग कैलकुलेशन करते वक्त आपको लोड को वर्किंग स्टेज में ही रखना है. ये वर्किंग लोड है, या इसको सेफ लोड भी बोलते हैं, या इसको आप सर्विस लोड भी बोल सकते हो. तो इनिशियली लोडिंग कैलकुलेशन करते वक्त आपको इसको वर्किंग में ही रखना है, फैक्टर नहीं करना. तो लोड फ्रॉम कॉलम कितना है, 600 किलो न्यूटन है. दूसरा स्टेप, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग आप निकाल लो. सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग मतलब फुटिंग का खुद का सेल्फ वेट. अब फुटिंग का खुद का सेल्फ वेट हम लोग यूजुअली प्रैक्टिकली पकड़ते हैं 10% ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम. वी कंसिडर इट 10% ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम. तो जो 600 का लोड दिया है उसका 10% लेंगे तो वो बन जाएगा 60 किलो न्यूटन का लोड. इट बिकम्स 60 किलो न्यूटन लोड. सो थर्ड पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल लोड, दैट इज आपको ए और बी को ऐड करना है. वी हैव टू ऐड ए एंड बी. ए है 600, बी है 60, दैट बिकम्स 660 किलो न्यूटन. सो आपके सिस्टम में टोटल लोड कितना बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 660 किलो न्यूटन का. ऑलराइट, सो वी वर्कड आउट द टोटल लोड कमिंग ऑन द फुटिंग. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फुटिंग. सो फुटिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ फुटिंग ये होता है टोटल लोड डिवाइडेड बाय SBC ऑफ सॉइल. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम लोग जब फुटिंग का एरिया निकालेंगे ना, तो सिस्टम में जितना लोड आ रहा है उसको SBC से डिवाइड करना, मतलब सेफ बेरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करना. सो टोटल लोड है आपका 660 का और सॉइल का सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना है, 180 का. तो अपॉन 180 करेंगे. सो 660 अपॉन 180 इज हाउ मच, इट इज 3.67 मीटर स्क्वायर. 3.67 मीटर स्क्वायर आ रहा. अब आपकी है स्क्वायर फुटिंग. सो फॉर स्क्वायर फुटिंग द एरिया इज बी इंटू बी. एरिया क्या बनता है, बी इंटू बी बनता ना. ये फुटिंग है बी बाय बी साइज की. ठीक है, एरिया है 3.67 इक्वल टू बी का स्क्वायर. यहां से आप बी निकाल लेंगे, बी विल बी अंडर रूट ऑफ 3.67. सो अंडर रूट 3.67 कितना होता है, वो होता है लगभग 1.91 मीटर के आसपास. आप इसको राउंड अप कर लो
से 1.92 मीटर, आप 1.92 भी ले सकते हो या 1.95 भी ले सकते हो। तो मैं 1.95 पकड़ लेते हैं इसको हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1.91 से लेकर 2 तक के कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। तो मेरा फुटिंग का साइज कितना रहा है, 1.95 मीटर का साइज रहा है। सो आई कैन से, मैं यहां लिख लेता हूं, प्रोवाइड स्क्वायर फुटिंग, प्रोवाइड स्क्वायर फुटिंग जिसका साइज कितना रहा है, ऑफ साइज 1.95 × 1.95 मीटर, दैट इज 1950 × 1950 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर फुटिंग का आपको शेप मिल गया, और सॉरी स्क्वायर फुटिंग का आपको साइज मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप निकालेंगे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लोड कॉलम से फुटिंग पे जा रहा है, फुटिंग से जा रहा है सॉइल पे। तो अब सॉइल क्या करेगा, सॉइल एक प्रेशर देगा। आपको पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि सिस्टम पे जब लोड आ रहा है तो वो लोड जा रहा है नीचे, ये आपका फुटिंग है, ये कॉलम है, ये आपके कॉलम का लोड आया पी। जैसे ही वो लोड गया नीचे तो सॉइल देगा उसको एक रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सॉइल देगा इसको एक रिएक्शन, वो रिएक्शन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल। सो सॉइल का एक प्रेशर है जो कि उस फुटिंग पे लग रहा है। सो लेट अस से मैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह ऐसा जूम कर लेता हूँ। दिस इज द सॉइल प्रेशर विच इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर आपको इसका प्रेशर निकालना है पी यू, अब ध्यान रखना यहाँ पे इसको फैक्टर्ड लोड लेना है आपको। इट इज फैक्टर्ड लोड फ्रॉम द कॉलम, फ्रॉम द कॉलम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फुटिंग प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ द फुटिंग प्रोवाइडेड। सो इट इज फैक्टर्ड लोड फ्रॉम द कॉलम। सी कॉलम पे आपको वर्किंग लोड दिया था 600 का, उसको फैक्टर्ड करना है तो मतलब इनटू 1.5 करना पड़ेगा, अपॉन आपने फुटिंग का एरिया कितना दिया, वो दिया 1.95 बाय 1.95 का। सो इट इज 1.95 बाय 1.95 × 1.95। तो यहां से आपका प्रेशर मिल जाएगा। सो 600 × 1.5 अपॉन 1.95 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 236.80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉइल ऑन द फुटिंग, ये सॉइल का प्रेशर है जो कि फुटिंग पे आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अब आपके सामने एक फिगर आपको मैंने शो किया है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फुटिंग है, ये एक कॉलम है, कॉलम के नीचे फुटिंग है, नीचे में सॉइल का प्रेशर आ रहा है। अल्टीमेटली अब क्या होगा, अल्टीमेटली अभी आपकी जो सॉइल है वो भी फुटिंग को बेंड करेंगी, जो सॉइल का प्रेशर है ना पी यू, वो अब फुटिंग को बेंड करने वाला है। तो आप देख सकते हो राइट साइड वाला फिगर कि वो प्रेशर फुटिंग को ऊपर की ओर बेंड कर रहा है। मतलब ऐसा है कि मान लो ये आपका कॉलम है, ये आपकी नीचे की फुटिंग है, और ये फुटिंग पे आ रहा है प्रेशर नीचे से पी यू। तो अब सिस्टम ऐसा कुछ सैग होने वाला है, आपका सिस्टम ऐसा ऊपर की ओर बेंड होने वाला है ऐसा, क्योंकि नीचे की जो सॉइल है उस वो अपना रिएक्शन फुटिंग पे दे रही है। तो फुटिंग विल बेंड इन दिस फैशन। जैसे मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, इसको आप ऐसा फुटिंग पकड़ लो, अब जब एक कॉलम मैं इसके ऊपर रखूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस कॉलम का लोड नीचे ग्राउंड पे जाएगा, एंड ग्राउंड का जो प्रेशर है वो सिस्टम को अभी, लेट अस से अगर ये आपका सिस्टम है तो सिस्टम को ऐसा वो सैग करने वाला है। सो इट विल ट्राई टू सैग द सिस्टम। जैसे ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को ऐसा बेंड करेगा, इट विल ट्राई टू बेंड द सिस्टम इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पर जो इसकी बेंडिंग हो रही है ना, ये बेंडिंग कैंटिलीवर की तरह बेंड हो रहा है। आप देख सकते हो कि
ये वाला एंड जो कॉलम का फेस है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम, ये फिक्स है, ये पर्टिकुलर चीज फिक्स है, बट इसका राइट साइड ये फ्री है, ये एंड क्या है, फ्री है। तो ये ऊपर की ओर ऐसा बेंड हो रहा है क्योंकि सॉइल का प्रेशर नीचे से लग रहा है ना अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो प्रोजेक्शन वर्कआउट कर लेंगे कि फुटिंग को प्रोजेक्शन कितना मिल रहा है बेंड होने के लिए। तो मैं ये फुटिंग ड्रॉ किया वापस से, मैं ये पहले मिटा देता हूं। तो आप याद रखना कैंटिलीवर अभी यहां पर, तो सॉरी यहां पर जो आपकी फुटिंग है वो कैंटिलीवर की तरह बेंड हो रही है, बिहेव कर रही है उस तरह। कॉलम का साइज कितना है, कॉलम का साइज है 300 बाय 300 का, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आएगा 0.3 मीटर। मेरी फुटिंग का साइज कितना है, 1.95 मीटर का साइज है। अब आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्शन निकालना है, या ये भी निकाल लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। तो 1.95 में से 0.3 आप सब्ट्रैक्ट करना पहले। क्या किया, 1.95 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट किया, वो बनता है 1.65, आधा लेफ्ट साइड में आधा राइट साइड में, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो दिस इज डिवाइड बाय 2, ये आता है 0.825 मीटर, दिस इज 0.825 मीटर आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑफसेट मिल रहा है, जो आपको प्रोजेक्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है 0.825 का। इसको आप स्मॉल एल बोल दो, इसको आप स्मॉल एल बोल देंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो सॉइल का प्रेशर है जो नीचे से लग रहा है, वो फुटिंग को ऐसा बेंड करेगा चारों ओर से, एक राइट साइड आपको दिख रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड, और तीसरा चौथा जो बोर्ड के परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट, कि मोमेंट कितना रहा है। आपको कैंटिलीवर के केस में पता है सबको कि कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल जब होता है तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था WL² / 2। बीम कैरिंग यूडीएल, सॉरी कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है WL² / 2। सेम फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं MU का। यहां पर मेरे पास WUDL नहीं है, मेरे पास UDL के फॉर्म में प्रेशर दिया हुआ है। तो जो सॉइल का प्रेशर है उसको हमने PU बोला ना, सॉइल के प्रेशर को हमने PU बोला है, जो कि है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करना, इसको पर मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना। तो प्रेशर को आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो फुटिंग के। ये क्या किया, बी मतलब विड्थ ऑफ द फुटिंग, फुटिंग का विड्थ है, इनटू फॉर्मूला क्या है, WL² / 2 है, तो प्रेशर इनटू बी किया तो W बन गया, इनटू एल का स्क्वायर बाय 2 कर दो। यहां पर आपका पीयू कितना, पीयू है 236.8, सो 236.8 फुटिंग का विड्थ है 1.95 का, इंटू स्मॉल एल कितना है 0.825 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 आ रहा। तो यहां से आपका मोमेंट निकल जाएगा, विल गेट द मोमेंट, सो 236.8 इंटू 1.95 इंटू 0.825 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 157.14 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज 157.14 किलोमीटर। तो इतना पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट इस पर्टिकुलर फुटिंग पे आ रहा है। याद रखना फुटिंग यहां पर कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रही है, आप देख सकते हो इस फिगर में, फुटिंग ऐसा ऊपर की ओर बेंड हो रही है, फुटिंग इज बेंडिंग इन दिस फैशन। तो ये वाला एंड उसका पूरा फ्री हो गया और ये वाला एंड उसका पूरा फिक्स हो गया। तो फिक्स फ्री वाला कंसेप्ट मतलब कैंटिलीवर का कंसेप्ट है। मोमेंट का फॉर्मूला सिंपल है, यहां पर WL² / 2 लगाया मैंने, ठीक है। तो नीचे वाला जो प्रेशर है उसको मैंने PU को कैसे निकाला, मैंने PU को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने प्रेशर को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो MU का फॉर्मूला बनाया मैंने, PU इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर बाय 2, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम डेप्थ ऑफ द फुटिंग, ये भी सिंपल स्टेप है। आप यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अल्टीमेट मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट से इक्वेट कर देना।
आपका अल्टीमेट मोमेंट कितना है? जस्ट अ सेकेंड, चार्जर। एक सेकेंड। हाँ, तो अल्टीमेट मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट से इक्वेट करेंगे। अल्टीमेट है 157.14, व्हाट इज अल्टीमेट मोमेंट? चलो बोलो, दिस इज 157.14 10 की पावर 6 इक्वल टू, आपका लिमिटिंग मोमेंट कितना था? लिमिटिंग मोमेंट फॉर Fe415 कितना है? वो है 0.138 FcKbD का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। सो 157.14 10 की पावर 6 इक्वल टू 0.138 FcK है 20, फुटिंग का विड्थ है 1950 इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर। इसको स्मॉल कर, इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल डी निकालेंगे mm में, सो बाय 0.138 इंटू FcK, बीडी है, बी है 1950, इसको मैंने mm में लिया हूं, उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो ये डेप्थ तो बहुत ही कम आ रही है, वो आती है 170.87। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। अब इतना छोटा डेप्थ लेके अगर आप आगे सॉल्व करोगे ना, तो एक आगे में एक चेक है जिसका नाम है पंचिंग शियर का चेक, वो चेक में आपका फुटिंग 101% फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट देता हूं कि आपका जितना भी डेप्थ आता है ना, आप उसको थोड़ा हायर साइड पे राउंड अप कर लेना एग्जाम में। सी, आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना आ रहा है? 170.87 mm आ रहा है। आप क्या करना, आप इसका डायरेक्टली ओवरऑल डेप्थ निकाल के एग्जाम में शो कर देना। तो इसका ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल डी में निकाल रहा हूँ ओवरऑल डेप्थ, ये अगर आपने स्टेप एग्जाम नहीं शो किया तो भी चलता है। तो ये कैपिटल डी है, कैसे निकालेंगे, 170.87 को आप लगभग 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड इसमें 60 mm का इफेक्टिव कवर, डी डैश बोलते जिसको हम लोग, वो ऐड कर देना। मैंने क्या बोला, 170.87 इसमें आप 1.8 मल्टीप्लाई कर दो और 60 mm का कवर ऐड कर लो, तो ये बनता है लगभग कैपिटल डी कितना, 367.56 mm के आसपास, इतना आपका कैपिटल डी बनता। तो आप यहां पे लिख देना कि से ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग, इसको आप हाइएस्ट साइड पे राउंड अप कर लो कैपिटल डी को, से आप 400 mm पकड़ लो और डी डैश आपने लिया 60, तो स्मॉल डी कितना आएगा, डी माइनस डी डैश, दैट इज 400 में से गया 60, वो आएगा 340 mm। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया प्लस 60 का कवर ऐड किया, ये कहीं पे आपको दिया नहीं हुआ है, बट ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिखना है कि आपका ओवरऑल डेप्थ कितना है, 400 है, और डी डैश कितना है, 60 है। अगर मान लो आपका कैपिटल डी का रेंज इसको सॉल्व करने के बाद 450 के आसपास आता है, तो आप ओवरऑल डेप्थ को 500 भी ले सकते हो, 550 भी ले सकते हो, 600 तक के आप उसको राउंड अप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने राउंड अप किया हाइएस्ट हाइट पे, क्यों, ताकि आपका पंचिंग शेयर का सेफ, पंचिंग शेयर का जो चेक है वो फेल नहीं हो। तो अब आते हैं चेक फॉर टू वे शेयर पे, ये चेक परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो इस चेक को मिस मत करना कि टू वे शेयर का चेक क्या होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज टू वे शेयर। तो कोड में एक स्टेटमेंट लिखा है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर इज एट अ डिस्टेंस डी बाय टू फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम ऑल राउंड। सी, टू वे शेयर मतलब होता है पंचिंग शेयर। क्या हो रहा है यहां पर,
अल्टीमेटली कॉलम का लोड फुटिंग पे आ रहा है और फुटिंग का लोड जा रहा है सॉइल पे, तो ज्यादा शियर फोर्स आने की वजह से फुटिंग का कुछ हिस्सा ग्राउंड के अंदर पंच हो सकता है, तो उसी के चेक को हम लोग बोलते हैं टू वे शियर का चेक, वी कॉल इट टू वे शियर चेक। ठीक है, सो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले फुटिंग ड्रॉ कर लेता हूं। अपनी फुटिंग का साइज कितना है, फुटिंग का साइज है 1950 बाय 1950। कॉलम का साइज कितना है, 300 बाय 300। ये कॉलम का साइज है 300। अब कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि कॉलम के फेस से डिस्टेंस आपको लेना है कितना, d/2। ये भी कितना है, d/2, और ये भी कितना है, d/2। ये भी कितना है, d/2। मतलब कॉलम के फेस से चारों ओर आपको d/2 का डिस्टेंस लेना है एंड आपको एक छोटा सा एरिया ऐसा मार्क करना है, ये वाला एरिया मार्क करना है आपको प्रॉपरली। ठीक है, इस एरिया को हम लोग प्रॉपरली हैश कर लेंगे इतना। ये एरिया जो है ना, ये आपका पंचिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब इतना एरिया ग्राउंड के अंदर पंच हो सकता है, इट में पंच इनसाइड द ग्राउंड। तो आप क्या करेंगे, आप इसका विड्थ निकाल लेंगे, ये वाला इतना और इतना। तो क्या करेंगे बेसिकली, देखो ये बीच में 300 दिख रहा आपको, तो यहां पे 300 कॉपी किया मैंने, प्लस यहां राइट साइड से d/2 है, लेफ्ट साइड से d/2 है। देखो राइट साइड से d/2, लेफ्ट साइड से d/2, तो d/2 क्या बनता है, d बनता है। तो आपको पूरा डिस्टेंस ऐड करना ना, तो बीच का 300 है, लेफ्ट साइड से d/2, राइट साइड से d/2, तो बन जाएगा स्मॉल d। आपका स्मॉल d कितना है, ये वाला स्मॉल d है 340, जो मैंने राउंड अप किया था, तो ये आएगा 340। इसको ऐड किया तो ये बन जाएगा 640। सिमिलरली ये भी क्या बनेगा, 300 + 340, दैट बिकम्स 640। तो आप देख सकते हो 640 by 640 का जो एरिया है ना, वो पंचिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूंगा यहां पर। ये पर्टिकुलर एरिया पंचिंग में क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है 640 by 640 का, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है आप उसको मार्क कर लो ऐसा। तो आप ध्यान देना, इस पे जो लोड आएगा ना वो हम लेंगे फैक्टर्ड लोड। 600 का वर्किंग है, इनटू 1.5 कर दो तो वो आ जाएगा 900 किलो न्यूटन का लोड, और नीचे से जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पीयू, दैट इज पीयू। तो अब हम निकालेंगे कि फैक्टर्ड शेयर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, फैक्टर्ड शियर फोर्स, इसको बोलते हैं वीयू। वीयू का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि शियर फोर्स का मतलब होता है अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को ऐड करना। अब वो जो पंच्ड एरिया ये वाला, इस पे 900 का लोड नीचे आ रहा, तो मैंने मार्क किया 900 किलो न्यूटन। ठीक है, माइनस लिया, प्रेशर जा रहा है ऊपर, तो प्रेशर को कॉपी करो, स्मॉल पी यू कितना, वो है 236.8। तो 236.8 का जो प्रेशर है वो जा रहा है ऊपर, किलो पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर है उसको आपको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो एरिया पंच हो रहा है ना आपका 640 बाय 640 का, आपको उससे मल्टीप्लाई करना उसको। तो 640 × 640, उसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो आता है 0.64 × 0.64। यहां से मुझे VU मिल जाएगा, I'll get the force VU। सो 900 − 236.8 × 0.64 × 0.64, दैट इज 803 किलो न्यूटन। यह आता है 803 किलो न्यूटन। अब मैं निकालूंगा शियर स्ट्रेस कि उस फोर्स की वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं tau v। tau v का फॉर्मूला होता है VU बाय BD।
ध्यान रहे पंचिंग जब कोई भी चीज होती है ना पंच, तो हम लोग सरकमफरेंशियल एरिया लेते हैं कि जो भी चीज पंच होती है ना, वी टेक सरकमफरेंशियल एरिया। तो यहाँ पे बी बन जाएगा बी नॉट, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो वी यू है 803, इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ 10^3 से मल्टीप्लाई करके। बी नॉट मतलब है पेरीमीटर, जितना एरिया पंच हुआ उसका पेरीमीटर निकाल लो। तो 640 की ऐसी चार साइड बन रही है ना, ये 640, ये 640, ऐसी चार साइड बनने वाली है। तो 4 × 640 कर दो, और स्मॉल डी कितना है 340। ट्राई करो वर्कआउट करने का, देखो सेफ आ रहा है क्या। तो 4 × 640 है नीचे में, ऊपर नीचे और 340 है, ये आता है 0.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज टाउ वी। अब मैं निकालूंगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, आई विल फाइंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं ताउसी, ताउसी का फॉर्मूला होता है 0.25√fck। ये आपको फॉर्मूला IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो कोड में। सो 0.25√fck कितना है, fck है 20, तो 0.25 × √20 कितना होता है, जाता है 1.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो टाउ वी आता है 0.92, टाउ सी आता है 1.1। सो टाउ वी और टाउ सी अगर मैं कंपेयर करूं तो टाउ सी बड़ा आ रहा है, इट मींस वी आर सेफ इन शियर, हम लोग शियर फोर्स में क्या है, सेफ है। तो ये सबसे बड़ा चेक है टू वे शियर का, जिसमें आपका अगर मान लो फुटिंग अनसेफ आता है ना, तो आपको अल्टीमेटली डेप्थ को बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी पहले ही डेप्थ को बढ़ा दिया ताकि आपका एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा स्मॉल डी कितना आया था, 170 आया था, उसको मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया रफली, और 60 का कवर ऐड कर लिया, वो बन गया 367। फिर मैंने बोला कि मेरा ओवरऑल डेप्थ कितना है, लेट अस से 400 mm का है, डी डैश कितना है 60 है, तो स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ क्या आएगा, 400 − 60 दैट इज 340। एंड यहाँ पे मेरा ये चेक फॉर टू वे शेयर सेफ आ गया है। अब हम बढ़ेंगे लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप है आपका डिजाइन ऑफ मेन स्टील। आपको मेन स्टील निकालना है, तो AST का फॉर्मूला आपको पता है 0.5 fck/fy, 1 − √1 − 4.6 mu/fck/bd का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज bd। तो ये है 0.5 fck है 20, ये है 415, 1 − √4.6, आपका mu कितना 157.14 है। तो 157.14 यहां लिखना 10^6 अपॉन fck है 20, विथ फुटिंग का विथ है 1950 mm, और स्मॉल डी जो हमने राउंड अप किया था 340 पे, विथ है 1950 और स्मॉल डी कितना है 340। तो यहां से आप लोग AST निकाल पाएंगे, We will find AST। तो पुट करो कैलसी में, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस 4.6 × 157.14 × 10^6/20 × 1950 × 340 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, ये आता है 1336.64 mm². तो आपका एरिया ऑफ स्टील कितना आता है, वो आता है 1336.64 mm². आप अज्यूम कर लो, इसमें अज्यूम कर लो बार का डायमीटर, हम लोग बार डायमीटर यूजुअली 12 mm ले लेंगे इसमें, ठीक है। और आप यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकाल लो, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ बार्स। तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ ईच बार करूंगा मैं 5/5 का स्क्वायर, टोटल एरिया है 1336.64 अपॉन एरिया ऑफ ईच बार है 5/4 × 12 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको वर्कआउट करें,
बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये आता है लगभग 11.81 के आसपास। तो आपके नंबर ऑफ बार्स कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। वी आर गेटिंग 12 बार्स ऑफ 12 mm डाया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिजाइन द मेन स्टील ऑफ द फुटिंग। अब इसमें एक लास्ट स्टेप है जिसको आप बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ का स्टेप, डेवलपमेंट लेंथ वी कॉल एलडी। ये एलडी का फॉर्मूला होता है फाइ इंटू 0.87 FY अपॉन 4 टाइम्स टाउ बी डी। मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ आईएस कोड में, आपके आईएस कोड में इसका क्लॉज दिया पेज नंबर 42 पे। डेवलपमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्टी सिक्स पेज है ये, यू कैन सी पेज नंबर 42 इन IS 456। तो ये आपका फॉर्मूला आपको दिया आपको मैं डेवलपर लेंथ का। तो क्या लिखा है फॉर्मूला? एल डी इक्वल टू 0.8, सॉरी एल डी लिखा है फाइव सिग्मा एस अपॉन 4 टाइम्स टाउ बी डी। यहाँ पे हमने सिग्मा एस को 0.87 FY ले लिया है अपॉन 4 टाइम्स टाउ बी डी। फाइ मतलब बार का डायमीटर 12 का है, 0.87 FY कितना है? 415। 4 टाइम्स टाउ बी डी की वैल्यू कितनी है? टाउ बी डी का मतलब होता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, मतलब स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेस कितना है। तो वो कोड के हिसाब से इस टेबल में दिया हुआ है। M20 के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.2, तो यहाँ पे आप इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो। और क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है कि फॉर डिफॉर्म्ड बार कंफॉर्मिंग टू IS 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज बाय 60%। मतलब जब आप डिफॉर्म्ड बार यूज करते हो, डिफॉर्म्ड बार मतलब FE 415 और FE 500, तो इस केस में आप टाउ बी डी की वैल्यू को 60% से इंक्रीज भी कर सकते हो, क्योंकि FE 415 का सरफेस रफ होता है जिसकी वजह से कंक्रीट और स्टील में बॉन्ड ज्यादा होता है। तो तब आप टाउ बी डी की वैल्यू को 60% से बढ़ाओ, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एल डी मिल जाएगा। तो एल डी कितना मिलेगा यहाँ पर? 12 इंटू 0.87 FY बाय 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6, ये आता है 564.14 mm। मतलब इसको आप राउंड अप कर सकते हो 570 mm पे, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना आता है? वो आता है 570 mm। अब ये 570 को आपको किससे कंपेयर करना है? आपको जो ये फुटिंग है ना, ये आपका स्टील रहने वाला, नीचे में आपको साइड कवर रखना है 50 का। यू हैव टू कीप द साइड कवर ऑफ 50 mm, मतलब साइड से जो कवर रहता है ना उसको 50 पकड़ेंगे। हमारा ऑफसेट क्या था? ऑफसेट था अपना 0.825 का, मतलब यहां से जो ऑफसेट मिला था अपने को, ये पूरा ऑफसेट था 825 का। 825 में से आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 825 माइनस 50 वो आता है 775। दिस इज 775। आपका डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है 570 और आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है? 775 की स्पेस अवेलेबल है। सो दिस इज लेस देन 750 mm, ये 750 से कम है, सो इट इज ओके। मतलब आपने जो डेवलपमेंट निकाला, लेंथ निकाला, वो आप प्रॉपरली वहां पे अप्लाई कर सकते हो, इसका ये मतलब है। सो एलडी इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 775 है ये, सॉरी दिस इज 775, तो उससे कम आ रहा है, तो वो ओके हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, रीइंफोर्समेंट डिटेल बोलते हैं इसको। इस रीइंफोर्समेंट डिटेल को ड्रॉ करना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं। सो ये आपका कॉलम आ गया, सो दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज द फुटिंग। ये आपकी फुटिंग आ गई, ठीक है।
ये कॉलम आपका, ये कॉलम का जो स्टील है उसको आप ऐसा बेंड करके ऐसा लिखेंगे एल शेप में, ठीक है। जितना ये एल शेप है ना उसको हम बोलते हैं एलडी, डेवलपमेंट लेंथ, जो कि आपका निकला है 575। ये आया है 575 का एल बेंड, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में एलडी नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 300 mm अज्यूम करके लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप एलडी निकाल लो, तो यहाँ पे आप एलडी शो कर सकते हो। आपका ओवरऑल डेप्थ कितना है फुटिंग का, कैपिटल डी है 400 mm का। अब अपना जो स्टील है फुटिंग का, ये वो स्टील है मान लो अलोंग एक्स डायरेक्शन, और उसी के ऊपर वाई डायरेक्शन में भी स्टील रहेगा ऐसा वाला, जिसको हमने डॉट से शो किया ऐसा वाइट डॉट से। कॉलम का रीइंफोर्समेंट यहाँ पे लिंक्स हमने बांधे हैं, ठीक है। फुटिंग का जो बेस है उसका विड्थ है 1950 का। कॉलम का साइज मार्क कर लो 300 × 300 mm का। अब इसका प्लान ड्रॉ कर लेंगे, ये इसका प्लान है। ये अपना रिइंफोर्स बनाएगा ऐसा अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ऐसे टोटल 12 बार्स है। टोटल पूरे 12 शो करने की नीड नहीं है, आप 4 और 5 शो कर देना ऐसा। ये वाई डायरेक्शन का स्टील आ गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 1950। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार शो करने कंपलसरी है, आपके दोनों डायरेक्शन में सेम बार का साइज है और नंबर्स है, तो आपको यहाँ लिखना है 12 बार्स ऑफ, 12 बार्स ऑफ 12 mm डाया स्प्रेड स्प्रेड बोथ वेज, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका जो स्टील है वो 12 नंबर्स के बार है एंड 12 mm का डायमीटर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फुटिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा एक डिजाइन हो गया कि आपने स्क्वायर कॉलम के ऊपर स्क्वायर फुटिंग को डिजाइन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।